अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के रिश्ते की तरफ बढ़ने से पहले हम एक जो है जरूरी बात आप लोगों से करना चाहते हैं कि जो जिन भाइयों के हम जो है रबते जो है करवा देते हैं लड़की वालों की फैमिली से, तो बराए मेहरबानी वो हमारे दोस्त भाई हजरात तमीज़ से बात किया करें। हमें कुछ शिकायत जो है मिली है कि आप जो है शायद कुछ और ही समझ बैठते हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हम सिर्फ जो है रिश्ते जो है शादी के लिए जो है हम आपको बताते हैं, इसके अलावा और हम जो है अपने चैनल पे ऐसी वैसी कोई जो है गलत बात नहीं करते। तो इसलिए सिर्फ वही मर्द दोस्त हजरात जो है रिश्तों के बारे में हमसे जो है रब्ता किया करें जो शादी करना चाहते हों और वाकई ही शादी के मामले में सीरियस हों। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ। आज का जो रिश्ता है ये जो है खातून का रिश्ता है जिनकी उम्र जो है इस वक्त वो 42 साल है, 42 ईयर्स। तो दोस्तों, 42 ईयर्स एज है इस इन खातून की, और जो है ये एक तलाक याफ्ता खातून है। इनका नाम है सलमा बीबी। सलमा बीबी जो है 42 साल एज है, तलाक याफ्ता है, एक बेटी है, बेटी इनके साथ रहती है। तो शोहर से अलहदा हुए जो है इस वक्त 4 साल का अरसा हो गया है, 8 साल उम्र है इनकी बेटी की, तो वो इनके साथ ही रहती है। सलमा बीबी जो है इनकी तालीम जो है FA है, यानी कि 12 जमात पास है, मुसलमान है, फिरका जो है इनका वो देवबंद है। तो सलमा बीबी जो है इनकी जो कास्ट है ये राजपूत है और अच्छे पढ़े लिखे घराने से इनका ताल्लुक है, काफी अच्छी फैमिली है, काफी सुलझे हुए लोग हैं। तो सलमा बीबी जो है ये इस वक्त मुल्तान सिटी में रहती है अपने जो है वालदैन के घर पे। तो वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया है, तो अभी जो है इनके जो भाई हैं इनसे उम्र में तो वो छोटे हैं, मोहम्मद नवीद साहब उनका नाम है, तो वो जो है इनके सरपरस्त हैं। तो वो हमारे दोस्त जो शादी करना चाहते हैं तो वो ये बात सुन लें कि लड़का जो है उसकी उम्र जो है वो 50 साल या इससे कम हो, वो पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो, शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हो, मुसलमान हो, इसके अलावा जात बरादरी कोई भी हो, पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, लड़का जो है अच्छे खानदान से होना चाहिए, इसके अलावा जॉब वगैरह करता हो या अपना कारोबार, ताकि शादी के बाद जो है गुजारा अच्छे से हो सके। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता जरूर आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।